गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज आपको हम पढ़ाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम। इससे पहले फ्रैक्शन चैप्टर्स में आपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़े हैं। साथ में फ्रैक्शंस को किस प्रकार से आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करना ना भूला करें। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो समझ में आया या नहीं, जिससे हमें भी ये पता लगे कि बच्चों को वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, जिससे हम उसका सुधार कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। राशिद बॉट 56 बनाना आउट ऑफ दो 2/4 ऑफ बनानास वर स्पॉइल्ड सो ही कुड नॉट यूज देम। हाउ मैनी बनानास वर स्पॉइल्ड। बच्चों, टोटल बनानास कितने थे? 56। एंड उसमें से कितने ख़राब हो गए, स्पॉइल्ड कितने हो गए? 2/4। तो अब आपको बताने हैं कि कितने बनानास स्पॉइल्ड थे। आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे सबसे पहले आपने लिखा राशिद बॉट बनानास, टोटल बनानास कितने उन्होंने खरीदे? 56 का ये आपको 2/4 फाइंड करना है, यानी 2/4 ऑफ 56। क्या करेंगे आप? 2/4 ऑफ 56 का 2/4 फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन आपने ये क्वेश्चन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो आपके लिए तो बहुत इजी रहेगा। क्या करना है आपको? 56 / 4, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, यह सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/4 × 56। ओके, उसमें भी आपको क्या करना है, 56 को डिवाइड करना है 4 से। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ देखिए, मैंने करके दिखाया भी है। 4 से जब आपने 56 को डिवाइड किया तो 14 आया, एंड 14 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो कितने हुए? 28। तो जो बनानास वर स्पॉइल्ड 28, जो 28 बनानास थे उन्होंने यूज़ नहीं किए। ओके, अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। ड्यूरिंग द कॉलेज इलेक्शन मेघा गॉट 2/7 of 49 वोट्स। हाउ मैनी वोट्स डिड मेघा। बेटा देखिए, इसमें फ्रैक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोट कितने हो जाएंगे? 49, एंड मेघा गॉट वोट्स 2/7। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी वोट्स मेघा गेट, मेघा ने कितने प्राप्त किए वोट को। तो बस इसी प्रकार से आपको लिखना है नंबर ऑफ वोट्स मेघा वोट 2/7 of 49। फिर से आपने इसको लिख लिया, कैसे करना है बेटा? 49 को डिवाइड करना है 7 से, एंड क्वेश्चन आने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर्स पता चल जाएंगे कि मेघा को कितने वोट मिले हैं। इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की है आपको बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। 126 टूरिस्ट विजिटेड दिल्ली इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में दिल्ली कितने टूरिस्ट आए थे घूमने? 126 आधे, यानी आउट ऑफ दैट हाफ मीन्स हाफ माने आधा, है ना। तो 126 का हाफ कर देंगे बच्चों तो टोटल कितने आ जाएंगे? यस, यानी हाफ मीन्स इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, स्टेटमेंट आपको लिखना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो आंसर यहाँ पे दिया तो इसका आंसर आप हाईलाइट कर दोगे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया, और कमेंट करना ना भूले बच्चों। ओके, बाय बाय।